Hi everyone and welcome to this core section. JavaScript की सीरीज में I welcome you all. And today आज हम समझने वाले हैं कि शेडोड वेरिएबल्स क्या होते हैं JavaScript में. Let me quote कि हम क्या करने वाले हैं आज. हम लिखने वाले हैं शेडो वेरिएबल्स. शेडो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास में JavaScript में. सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ क्लियरली कि शेडो वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड क्यों आपको शेडो वेरिएबल्स अवॉइड करने चाहिए. सबसे पहले रूल है अवॉइड यूज ऑफ शेडो वेरिएबल्स. ये एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ ये नंबर वन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा. ओके तो शेडो वेरिएबल क्या होता है. लेट स्टार्ट. सपोज मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया जिसका है एम्प्लॉई एंड इसके अंदर मैंने जैसे नाम दिया है फॉर एग्जाम्पल लीजा. अब मैंने कुछ एम्प्लॉयज का डेटा बनाया है जिसके अंदर मैं दो तीन नाम देता हूँ लीजा. फॉर एग्जाम्पल लीजा एक ले लेता हूँ मैं टॉम एंड एक ले रखा हूँ मैं हेनरी लाइक दिस. अब अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉट फॉर ईच करूं डेटा डॉट फॉर ईच और यहां पे मैं करूं कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉई. बट मैं यहां पे भी नाम रखता हूं क्योंकि डेटा के अंदर सारे क्या है एम्प्लॉई तो मैं यहां पे भी नाम रखता हूं एम्प्लॉई. तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड के ऊपर लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस. हाँ अब आप देखिए इस वर्ड के नीचे एक लाइन आ रही है एरर की. आप इस पर होवर करेंगे आपको आएंगे शेडोड नेम एम्प्लॉई नो शेडो वेरिएबल्स. इसका मतलब ये हुआ आपका कि आपने एक तो वेरिएबल का नाम ले रखा है यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं एम्प्लॉई एंड उसके बाद में आपने वापस से यहाँ पे एम्प्लॉई वर्ड ले रखा है अलग से किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं हम लूप चला रहे हैं फॉर ईच की मदद से कि हमारे एरे में हर एक एम्प्लॉय को नीचे कंसोल करवाइए. अब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में या फिर आपके टाइपस्क्रिप्ट में आपने यहाँ पे तो एक वेरिएबल ले रखा है और फिर हर एक वेरिएबल को आप इटरेट करवाना चाह रहे हैं आपने उस वेरिएबल का नाम भी एम्प्लॉय रख दिया तो उसको ये लगता है कि आपने यही सेम नेम यहाँ पे यूज किया. जैसे कि एक इंसान होता है लेट से ह्यूमन होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर आप उसको सन में रखोगे तो उसकी एक शैडो बन जाती है. तो ये जो शेडो होती है ये एग्जैक्टली किसकी होती है ये या तो उस ऑब्जेक्ट की होगी उस सामान की होगी ये शेडो या फिर उस ह्यूमन की ये शेडो होगी. सिमिलरली ये वेरिएबल है. अब आप अगर ये वेरिएबल वापस से कहीं पे इस तरीके से यूज करोगे तो वो उसका शेडो बन जाएगा मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी. तो ये जो एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं शेडो नेम. मतलब कि आपने सेम टू सेम इसी का नेम यहाँ पे यूज कर लिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए जावास्क्रिप्ट में. By the way, ये गलत नहीं है बट ये एक इसमें हमें क्या बोलते हैं आप ये बोल सकते हैं कि ये एक कन्वेंशन है ये एक रूल है कि आपको ये नहीं यूज करना चाहिए शेडो नेम अपने वेरिएबल्स के अंदर. और अगर आप इसको करेंगे जैसे एक आप यहाँ पे हटा देंगे लाइक दिस तो ये सही रहेगा. बट यहाँ पे आप जब भी इस तरीके के एरो फंक्शन में आप जब भी कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं जब भी आप ये एरो फंक्शन यूज करते हैं ओके इसमें आप जब यहाँ पे कोई भी नेम लिखते हैं वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन. और अगर वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो आपका वो वेरिएबल इस वाले से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा बिकॉज सेम नेम है. और यही एरर जो आता है सेम नेम की वजह से इसको बोलते हैं हम शेडोड वेरिएबल्स. तो इसमें आपको बस ये समझना है कि एक वेरिएबल आपका रहेगा आउटर स्कोप एक वेरिएबल आपका होगा इनर स्कोप में. अब आपका जब आउटर स्कोप का वेरिएबल इनर स्कोप वाले वेरिएबल से सेम नेम होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा तो आपको शेडोड वेरिएबल चीज मिलेगी. इसको फिक्स करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे कोई भी इसको आइडेंटिफाई से सेपरेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. बट क्योंकि ये अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे तो वेरिएबल नेम वो एरर देगा आपको कि आपको इसको लोअर से स्टार्ट करना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे नॉर्मल सा अपना इस तरीके से किसी भी अलग नेम से इसको चीज को फिक्स कर सकता हूँ.
तो ये था शेड्यूल्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों हमें शेड्यूल्ड वेरिएबल्स यूज नहीं करने चाहिए। रीडेबिलिटी भी बढ़ेगा और इसमें आपके एरर प्रॉन्स भी कम होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और कोई भी आपको अगर एरर्स है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एंड सी।